अब एक फैमिली के लिए एक किलो चीनी के लिए आपने आ रहा है गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पर आ रहा है, पेट्रोल का खर्चा, उसकी रिपेयर्स क्या है, तो इनको मैंने गुजारिश पेश की थी, इन्होंने कहा है अब कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम या कुछ के दो किलो तक कम अज़ कम दें। हुकूमती दावों के बावजूद शहर में महंगाई का तूफान, सस्ते सहूलत बाजार भी महंगे निकले। चीनी की 85 रुपए किलो में फरोख, शहरियों को एक किलो से ज्यादा चीनी देने से भी इनकार। महंगा आटा कैसे लाएं, रोटी कहां से खाएं, शहर में आटे की किल्लत बरकरार, शहरी तलाश में होते रहे ख्वार। 860 रुपए वाला आटे का थैला नायाब, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। आटा मिलता नहीं, आटा शाट है, दालें महंगी हो गई, सब्जी ये महंगी हो गई, इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। नए पाकिस्तान में बीमार भी सोच समझ कर हों, महंगी अद्वियात का हसूल शहरियों के लिए अजियत बन गया। अद्वियात महंगी होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में नून लीग की करारदाद जमा। जो मेडिसिन मैंने ली है ये तकरीबन 15 दिन पहले जो है वो 500 से 600 रुपए की थी, जिसमें ये ब्लड प्रेशर वगैरह की दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, तो आज वही मेडिसिन जो है वो 1500 से 1600 रुपए की मिली है। इतनी ज़्यादा महंगी दवाई आम आदमी कहाँ से अफोर्ड करे, तो इन हालात में जहाँ अशियाए खुर्दोनोश की जो है वो चीज़ें आम आदमी की पहुँच से दूर हैं, तो वहाँ ये हिफ्ज़ान सेहत की जो चीज़ें हैं वसाइल हैं वो कहाँ से पूरे कार लाए। एहतसाब अदालत का, शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म, सदर नून लीग को कुर्सी और घर का खाना मंगवाने की इजाजत, सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल से रिपोर्ट भी तलब। ये कहां की इंसानियत है कि एक शख्स को कुर्सी तक मुहैया ना की जाए, नमाज अदा करने के लिए अगर उसको कुर्सी रिक्वायर्ड है तो वो भी मुहैया ना की जाए। आपको जेल भेजेंगे और आपके किराए के तर्जमानों का नाम ECL में होगा, आपकी जो गैर मुल्की काबीना है ये तमाम लोग ECL में होंगे, और आप जब जेल जाएंगे तो जैसा मैंने पहले कहा आपको एक घंटे के अंदर नानी याद आ जाएगी। उनके ऊपर जो दाग है वो सियासी कैदी रखने का, और मुकदमात क्या है हम पूछ पूछ के थक गए हैं कि क्या सिर्फ शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मवाद दिया गया है उस पर रेफरेंसेस बनने हैं, और नैब ने सिर्फ एक आलाकार बनके शहजाद अकबर और इमरान खान की ख्वाहिश पे उसके ताबे वो रेफरेंसेस बनाने हैं और कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं बतानी। सारे मुल्क के लिए कवानीन एक तरफ, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए लॉज एक तरफ। इमरान खान ने जेल हुकाम को सहूलियात देने से रोका, लीगी रहनुमाओं का इल्जाम, कहा PTI के साथ भी ये सलूक होगा, शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त ना देने का ऐलान। अपोजिशन के इदारों को मुतनाजा बनाने की साजिश नाकाम हो गई, वजीर आला की कड़ी तनकीद, कहा अपोजिशन इंतशार की सियासत से तरक्की का सफर रोकना चाहती है, कौम ने शरंगेज बयानियां मुस्तरद कर दिया। जाली हुकूमत ने मईशत के साथ इदारों को भी खोखला कर दिया, उज़्मा बुखारी का जवाब, कहा जो सूबा मुआशी तरक्की में सरे फहरिस्त था वही पंजाब इक्तसादी मुआशी तौर पर दिवालिया हो रहा है। मिक्स अचार पार्टी के रहनुमा अपने सियासी मुस्तकबिल से खौफजदा हैं, फयाजुल हसन चौहान बोले मोहम्मद सफदर के मामले पर वजीर आला मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत डबल गेम कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ से तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा, नैब का सदर नून लीग पर अदम तआवुन का इल्ज़ाम, बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक जवाब नहीं दिया गया, रिपोर्ट में इंकिशाफ। नून लीग के रहनुमा नैब के रेडार पर, साबिक वजीर दिफा की इकामा केस में एक बार फिर तलबी, ख्वाजा आसिफ को कल इकामे की तफसीलात के हमरा पेश होने की हिदायत।
मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त, इज्तमाई ज्यादती में मुलविस दोनों मुलजिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून ने आबिद मलही शफकत को शनाख्त कर लिया। आग की लपटों ने कई घरानों के चूल्हे ठंडे कर दिए। हफीज सेंटर के मुतासरा ताजिर परेशानी का शिकार। अरबों रुपए का नुकसान उठाने वाले ताजिरों की हुकूमत पर नजरें, रिलीफ के मुंतजिर। कोरोना के वार लगातार, पंजाब में कोरोना वायरस के 176 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की मजमुई तादाद 1,19,36। शहर में भी मजीद 93 अफराद मुतासिर। दिन और रात में शहर पर स्मोग छाने लगी। एयर इंडेक्स चार्ट पर लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। अलाहाबाद में फसलों की बाकियात नजरे आतिश, इंतजामिया ने कार्रवाई ना की। डेरीना दुश्मनी या फिर कुछ और, शाहदरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, नासिर नामी शख्स कत्ल। मकतूल फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी का रिहायशी था, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। मुजफ्फर कॉलोनी में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूला रिमशा शादीशुदा और दो बच्चों की मां थी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। शहर में लुटेरे इन एक्शन, थाना नवाब टाउन की हदूद में डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, जख्मी शहरी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब से बलोचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर नसीबुल्ला खान मरी और रुकने पंजाब असम्बली जावेद अख्तर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। 9 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 5 को सील कर दिया गया, 1 की प्रोडक्शन बंद। 1 फूड पॉइंट को जुर्माना किया गया, 2 को इस्लाही नोटिसेस जारी। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। जौहर टाउन और प्राइवेट रिहायशी स्कीमों में कार्रवाई, 6 इमारतें मसमार कर दी गईं। मुसाबकती कमीशन की तश्कील के खिलाफ जेर इल्तवा दरखास्तों की समाअत का मामला। 4 माह गुजरने के बावजूद महफूज फैसला जारी नहीं हो सका। 10 साल में समाअत करने वाले 5 सिंगल जज और 4 फुल बेंच तब्दील हुए। महकमा सियाहत पंजाब हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम। अवाम की सहूलत के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज कायम। होटल रेस्टोरेंट्स और ट्रेवल एजेंसी से मुतालिक मालूमात दी जाएंगी। पीएचए का ग्रेटर इकबाल पार्क में क्रिकेट ग्राउंड बनाने का फैसला। डीजी पीएचए जवाद अहमद कुरैशी कहते हैं खेलों के मैदान सेहतमंद मुआशरे के लिए जरूरी हैं। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की जेर सदारत इजलास। जिम्बाब्वे की टीम की लाहौर की आमद के मौके पर तमाम महकमों को ड्यूटियां तफवीज, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर गौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सफेद तोड़ दी। मारूफ नात खां महबूब अहमद हमदानी मियानी साहिब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात, नात खां हजरात, अजीज व अकारिब और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
बड़े सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह का 397वां उर्स वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह की ज़ेर सदारत इंतजाम से मुतालिक इजलास उर्स मुबारक का इफ्तिताह 25 अक्टूबर बरोज इतवार चादरपोशी से होगा। और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर, गलियां और बाजार सज गए, बच्चे और बड़े अकीदत से सरशार।